राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारे रसोई में बनाने जा रहे हैं राजस्थानी फेमस चूरमा। चूरमा बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा ले लिया है, इसको पानी के साथ नॉर्मल पानी के साथ लगा लेंगे और इसमें थोड़ा मोन के लिए घी डालेंगे। हमने घी डाल दिया मोन के लिए, इतना घी बहुत है। अब हम इसको पानी के साथ टाइट डो बना लेते हैं। इसमें हमने घी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मोन के लिए, इससे बहुत ही अच्छा बनेगा चूरमा। घी मिक्स कर लिया अच्छे से, ऐसे मुट्ठी बांध के देखें, ऐसे मुट्ठी बन जाए तो समझिए मोन बहुत है। पानी के साथ इसको टाइट गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना है। मैंने टाइट आटा लगा लिया, बिल्कुल इसको ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, बिल्कुल इसको टाइट ही लगाना है। अब मैं इसके छोटे छोटे वो बना लेती हूँ मूठी, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने। ऐसे मेरे मूठिया बनकर तैयार हैं, मैं इनको अब सेक लेती हूँ। हम गैस चालू कर लेते हैं, इसको बर्नर को हटा देते हैं। हमारे पास ये ओवन है, गर्म होने रख देती हूँ। हमारा तंदूर गर्म हो चुका है, अब इसमें रख देते हैं मूठिया। हम इनसे चूरमा बनाएंगे। आग ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें ये ऐसा है, इसमें घूम के वापस टकरा के नीचे आती है, तो बिना ढक के नहीं पकेंगी, और ढक के ही पकानी पड़ेंगी। गैस बिल्कुल धीमी कर देते हैं और इनको सिकने देते हैं, तब तक कुछ दूसरा काम कर लेते हैं, देख लेते हैं हम। देखिए थोड़ा थोड़ा सिकने लग गया, इसको ऐसे पलट देते हैं थोड़ा। बिल्कुल स्लो गैस पे, तेज गैस पे जल जाएगा और अंदर से नहीं सिकेगा, और स्लो स्लो गैस पे अंदर तक सिक जाएगा। टाइम लगता है, लेकिन स्लो गैस पे सेकना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जल जाएगा। हम देख लेते हैं, चूरमा के लिए मूठे बनाए थे वो तैयार हैं, बिल्कुल सेक कर देखो, कलर चेंज हो गया, बिल्कुल लाल लाल हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं, निकाल लेते हैं इनको। अब थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इनको पीसने के लिए छोटे छोटे तोड़ लेते हैं। ये ठंडे हो चुके हैं, अब देखिए कितने अच्छे से सिके हैं, बिल्कुल। अब पीस लेते हैं। हमने ऐसा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, लेकिन मोटा भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं।
जो बचे हैं उनको भी पीस लेती हूँ ऐसे ही। ये भी पीस लिया हमने, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए कितना बिल्कुल लाल लाल कलर लग रहा है। इसमें हम मिला लेते हैं बूरा और ड्राई फ्रूट्स भी। मैं बूरा डाल देती हूँ, ये करीब आधा किलो है, इसमें एक पाव बूरा डाल देती हूँ। आप आपके स्वाद के अनुसार ले लें, कब कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है। ये काजू ले लिया है मैंने, ये बादाम है, ये किशमिश है, ये गोला का बुरादा है नारियल का, ये डाल देते हैं। ये इलायची पाउडर है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। मैंने छिलका सही से पीस लिया था इसलिए मैं छान लेती हूँ इसको। मिक्स कर लेते हैं इसको। अब हम इसमें घी डाल देते हैं, ये बिल्कुल देसी घी है। मिक्स कर लेते हैं, घी और डाल लेते हैं, कम है घी। ये चूरमा घी में ही बनता है, तेल में नहीं बनता। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चूरमा रेडी है, इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। इतना घी डाल दिया कि आराम से लड्डू बन जाएंगे। घी बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालना है, नहीं तो बूरे का पानी बन जाता है। गरम गरम में बूरा भी नहीं डालना है, घी भी नहीं, बिल्कुल ठंडा हो जाए तब बूरा डालना है, उसके बाद घी डालना है। हम ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इसके। चलो तो लड्डू बना लेते हैं। देखिए हमारा चूरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लिए हमने, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसको पार्टी और दाल के साथ खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।